ఒడిశాలో జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదంపై విచారణకు హైలెవెల్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. ఈరోజు ఉదయం ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఆయన సహాయక చర్యలు పర్యవేక్షించారు. రైల్వే, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శక్తి మేర సహాయక చర్యలు చేపడుతుందని తెలిపారు. అందరికీ మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నామని రైల్వే శాఖ మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ठीक तरीके से पहुंचे. जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो सबसे पहले वो फोकस है. नाराजगी भी बहुत हो रही है विपक्ष की. मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ. रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा. जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा. ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सुरों में खड़ी है. अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ. इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा. अभी नहीं कहा जा सकता. इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा. पेट्रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है. उसी नंबर को आप लेके चले. अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है. इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें. सर, आपने क्या देखा अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दें.